बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज किस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किसी भी बंदे का जो रिकॉर्ड है वो एक मोबाइल ऐप की मदद से चेक कर सकते हैं। वो कौन सी मोबाइल, आपको तरीका भी बताऊंगा और उसका नाम भी बताऊंगा और आपको रिकॉर्ड चेक करके भी बताऊंगा। देखें, आपने कोई, आपके पास कोई बंदा काम करता है, आपके पास कोई बंदा किराएदारी पर रहता है, या आपने किस भी बंदे का जो है वो चेक करना है कि ये जुर्म मुजरिम है, चोर है, डाकू है, इश्तियारी है, या इस पर FIR हुई हो या पुलिस की तरफ से, तो ये आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं, मुकम्मल तरीका मैं आपको आज किस वीडियो में बताऊंगा। तो व्यूवर्स, आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को दबा लें ताकि मजीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक वक्त से पहले पहुँच सके। जी व्यूवर्स, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने ऐप की मदद से कैसे चेक करना है कि इस बंदे पर कोई भी FIR हुई हुई है या नहीं हुई हुई, या कोई भी इसका इश्तियारी या मुजरिम है, चोर है या डाकू है, जो भी है। तो आप कैसे चेक करेंगे, अभी चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ जाकर आपको बता दूँ कि आप लोगों ने कैसे चेक करना है। जी तो व्यूवर्स, अभी हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और सबसे पहले आपने प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप लोगों ने वो ऐप डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर तो कौन सी है, यहाँ पर आपने आना ऐप स्टोर पर और वहाँ पर सर्च करनी है पहचान क्रिमिनल रिकॉर्ड ऐप, ठीक है। ये आप सर्च करेंगे, ठीक है। तो ये ऐप जो है सर्च हो रही है आपके सामने, जैसे ही आती है तो मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये सर्च हो गई, सबसे ऊपर आ रही है पंजाब पुलिस पाकिस्तान। तो ये वाली ऐप आपने कर लेने सेलेक्ट। तो देखें, यहाँ पर मैंने ये ऐप डाउनलोड की हुई है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर लेना है। अभी ये आपके सामने आ गया है कि इस पर आप लोगों ने सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। अकाउंट बनाना है और उसके बाद आप लोग, अगर आप अकाउंट बनाया तो यहाँ पर आप लोग आकर लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर अकाउंट बनाने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले साइन अप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोग अपना नेम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, नीचे ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप अपने जेंडर सेलेक्ट करेंगे मेल फीमेल, और उसके बाद नीचे पासवर्ड लिखेंगे और यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर, जो आपने नंबर लिखा होगा उस पर एक OTP आएगा, वो OTP देंगे तो आपका जो है यहाँ पर वो है जो है वो साइन अप हो जाएगा। क्योंकि मैंने साइन अप किया हुआ है तो मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ, यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर आ गए और यहाँ पर मैं आपको लॉगिन करके फिर आगे लेकर चलता हूँ। जी तो व्यूअर्स, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखें, आप लोग बहुत सारे काम करवा सकते हैं अपने ऑनलाइन बैठकर घर में ही, लेकिन हमारा आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हम लोगों ने उस बंदे की कैसे पता करना है, किसी भी बंदे का रिकॉर्ड कैसे चेक करना है कि ये इश्तहारी है, मुजरिम है, इस पर FIR हुई है, चोर है, डाकू है। तो आप लोगों ने इसका रिकॉर्ड कैसे चेक करना है, सिंपल सा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होंगे, आपने किसी भी ऑप्शन को नहीं छेड़ना। यहाँ पर आपने आ जाना, यहाँ पर लिखा हुआ आइडेंटिफाई क्रिमिनल, यानी कि मुजरिम की शनाख्त करें। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये लिखा हुआ था, हमने आकर इस पर क्लिक कर देना, क्योंकि हमारे वीडियो का टॉपिक यही है तो मैं आपको यही बताऊंगा। तो यहाँ पर आपने उस बंदे का शनाख्ती कार्ड नंबर दे देना जिसका आप क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं। एक मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर किसी बंदे का ID का नंबर लगा कर चेक करके दिखा देता हूँ कि क्या वो क्रिमिनल है या नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर शनाख्ती कार्ड चेक करके बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक आईडी का नंबर डाल दिया और यहाँ पर मैं इसको सबमिट पर क्लिक करता हूँ और उस पर देखते हैं कि क्या आता है। देखें, यहाँ पर देखें जी, आपके सामने आ गया कि नो डेटा फाउंड। ये आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि नो डेटा फाउंड। जो मैंने आईडी का नंबर लिखा था उसका कह रहा है कि इसका जो है वो कोई क्रिमिनल, नो डेटा फाउंड का मतलब है कि यहाँ पर इसमें ये बंदा पाक साफ है, इस पर कोई FIR नहीं है, ये कोई चोर डाकू नहीं है। अगर यहाँ पर ये कोई चोर या डाकू या कोई क्रिमिनल होता तो यहाँ पर उसका सारा रिकॉर्ड आ जाता कि इसने ये काम किया हुआ है। तो देखिए कितनी आसानी है, आप अपने घर बैठ कर सिंपल से अपने मोबाइल से ये सब कुछ चेक कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो को नीचे कॉमेंट करके पूछ भी सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।